वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जान चुके हैं, साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि क्लास 10 में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब की सब पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आप लोग 6 क्लास ऑनवर्ड से जानते हैं। केवल हमें इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स का फॉर्म मतलब कि आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से, 2 से हमने इसको डिवाइड किया 70 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 35, फिर हमने इसको 3 से कोशिश किया, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 + 3 = 8 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 7 = 35 एंड 7 से डिवाइड किया। अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 140 = 2 × 2 × 5 × 7। यही हमारा आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोग जैसा 6-7 क्लास में प्राइम फैक्टर्स करते थे केवल वही यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स करना है और इस सवाल को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 और ज़्यादा इजी है। हम सभी लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF निकालना जानते हैं। आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से SCF निकालना एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। यहाँ पे हमें और पीछे जाना है, अब हमें SCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। साफ साफ लिखा हुआ, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM इनटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का SCF निकालना है और SCF निकालने के बाद हमें LCM निकालना है, फिर हमें प्रूव करना है कि LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। सबसे पहले हमें SCF निकालना है। SCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों नंबर्स में कौन सा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसको निकालने के लिए हमें दोनों नंबर्स के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करना है। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हमें कॉमन मल्टीपल्स को कलेक्ट कर लेना है। तो लेट अस स्टार्ट। 26 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स करने में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना है। आप लोगों को 6 क्लास में जो प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर में जो रूल्स थे नंबर के, डिविजिबिलिटी रूल, वो रूल्स को याद रखना है। उन रूल्स की मदद से हम लोग आसानी से इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 क्या था, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होती है, जब उसकी यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो या जीरो हो। 3 से डिविजिबल कब होती है, जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल कब होती है, जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। इसी तरह से 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। ये नंबर हमें 13 से डिवाइड होती मालूम दिख रही है, लेकिन हम इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2, 2 × 3 = 6। और अब हमने 13 से इसको डिवाइड किया तो 26 के जो फैक्टर्स मिल गए वो 2 × 13 मिल गए। अब हम 91 को डिवाइड करेंगे। 91 को हमने देखा यूनिट डिजिट 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। 9 + 1 = 10, 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये दोनों डिजिट्स 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट में 0 और 5 नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 3 से डिविजिबल नहीं, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी। 7 से हमें चेक करना है, 7 × 7 and 7 × 3 = 21, तो ये 7 से डिविजिबल हो गई। अब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 प्राइम नंबर है, तो हम देख सकते हैं 91 के हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो मिल गए हैं 7 × 13। ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन फैक्टर्स में से सबसे बड़े जो कॉमन फैक्टर्स हों, क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमें देख सकते हैं हम, सिर्फ 13 हमें कॉमन मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं SCF ऑफ दीज टू नंबर्स 26 and 91, दिस इज 13। ये हमें SCF मिल गया। LCM क्या होगा, LCM 26 and 91, इनका LCM निकालना है। तो जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनको एक एक बार लिख लेना है 2 × 7, और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ये हमारा LCM हो गया। SCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें ये सर्टिफाई भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि क्या LCM इंटू SCF करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मिलेगा। अब हम लोग इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करें, LCM इंटू SCF, LCM में SCF को मल्टीप्लाई करें। तो LCM है हमारा 2 × 7 × 13 और SCF है 13।
अब आप देखें कि फर्स्ट नंबर थी 2 × 13, ये 2 × 13 एक साथ लिख लीजिए, 2 × 13 इंटू 7 × 13। 2 × 13 फर्स्ट नंबर का फैक्टर है, प्रोडक्ट है, तो 2 × 13 की जगह पे हम 26 लिख सकते हैं। इधर 7 × 13 ये सेकेंड नंबर के फैक्टर हैं, इंटू 91। हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एलसीएम में एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया है, हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मिल गया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर्स का हमें प्रोडक्ट मिल गया है। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये सवाल लगाना है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड रोमन और थर्ड रोमन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकंड रोमन को सॉल्व करेंगे। 510 के सबसे पहले हमें फैक्टर्स करना है, 510 के प्राइम फैक्टर्स, 2 से डिविजिबल है ये, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। अब ये 5 × 5 = 10 + 2 = 12, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। नेक्स्ट 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, एंड 17 प्राइम नंबर होती है तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है कि 510 510 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो 2 × 3 × 5 × 17 हो गया। नेक्स्ट नंबर है 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसी तरह से, सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर हमने इसको देखा 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं, एक्चुअली 23 एक प्राइम नंबर होती है, तो यहाँ पे हमने 23 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। 92 के फैक्टर्स बने 2 × 2 × 23, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है दोनों नंबर्स में, तो एचसीएफ हो गया 2। और जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर उसको एक बार और बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी एक एक बार लिखना होता है, 3 × 5 × 17 × 2 × 23, ये हमारा एलसीएम आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर बता देंगे। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मिलता है, तो उसको भी वेरीफाई कर दें। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम है 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23 और एचसीएफ है 2। अब हम देखें फर्स्ट नंबर थी 2, 3, 5, 17 के फैक्टर्स के साथ, 2, 3, 5, 17 ये चारों मिलके एक नंबर बन गई, और दूसरी नंबर थी 2 × 2 × 23, तो 2 × 2 × 23 ये दूसरी नंबर हो गई। तो फर्स्ट नंबर 510 × 92 हमें मिल गया है, जो कि प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का। इस तरह से हमने इस सेकेंड पार्ट को भी वेरीफाई कर दिया। थर्ड पार्ट आप लोग खुद लगाने की कोशिश कीजिए, आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।